विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार की सुबह भाजयुमो नेताओं तथा कार्यकर्ताओं एवं मंदिर कर्मचारियों के बीच जमकर विवाद हुआ। बताया जाता है कि भाजयुमो नेता निर्गम द्वार से प्रवेश करना चाहते थे, जिसका कर्मचारियों ने विरोध किया, किंतु उनकी एक न चली और भाजयुमो नेता बैरिकेड्स हटाते हुए एग्जिट गेट से एंट्री कर गए। दरअसल यह सारा वाक्या भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के महाकाल दर्शन के लिए पहुंचने के दौरान हुआ, जहां कार्यकर्ता एवं मंदिर कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ। अब देखना है कि प्रशासन द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, जहां पूरे देश से आने वाले श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए घंटों प्रतीक्षा करते हैं और लंबी पैदल यात्रा तय कर बाबा के दर्शन कर पाते हैं, वहाँ ऐसी घटना निंदनीय है। इस मामले में एक पहलू यह भी बताया जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर में व्यवस्था में तैनात कतिपय कर्मचारी भी श्रद्धालुओं से अनुचित व्यवहार करते हैं। बहरहाल आज का यह वायरल वीडियो व्यवस्थाओं के बारे में बहुत कुछ कहता है। आम जनता धक्के खाती है और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता धक्के देकर प्रवेश कर जाते हैं।